बैक हो गया, एक मिनट ना। ठीक है, तो पहला विधि समझ में आया। पहला विधि बताया जाता है कि जब एथिलीन को, एथिलीन में जो है हम वाटर की उपस्थिति में ठंडा क्षारीय केमेनोफोर जो है वो इस पर एड करते हैं, तो हम इसके द्वारा जो है एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला है दूसरा विधि जिसको बोलते हैं वुड्स की विधि। वुड्स नामक साइंटिस्ट ने इस विधि को दिया था, इसलिए इसको हम लोग वुड्स की विधि या वुड्स मैथड कहते हैं। देखें वुड्स मेथड में क्या कहता है, तो इस विधि में एथिलीन ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर एसीटेट से करने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो देखो क्या क्या बोल रहा है, तो जो एथिलीन ब्रोमाइड होता है, ये है हमारा एथिलीन ब्रोमाइड, इसका जब हम सिल्वर एसीटेट, तो सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला देखो, तो CH3COOAG, और ये ट्वाइस में है क्योंकि Ag जो है वह 2+ में होता है, तो इसके साथ में क्या होता है, तो दो एसीटेट ग्रुप जुड़ा रहता है, COOCH3 एक ऐसा और दूसरा ऐसा। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो सिल्वर एसीटेट है, इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से देखो तो AgBr बना करके बाहर हो जाता है, Ag और Br ऐसा बना करके, AgBr2 बना करके, सॉरी AgBr बना करके बाहर, तो यहाँ पे 2 AgBr बाहर हो जाएगा। तो बाहर होगा तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है एथिलीन एसीटेट। तो एथिलीन एसीटेट जो है वह यहाँ से हमको मिलता है। अब क्या होता है, तो अगले प्रोसेस में देखें तो इसमें आगे बोलता है कि एथिलीन एसीटेट प्राप्त होता है जो कि KOH के तनु विलयन में जल अपघटन करने पर एथिलीन ग्लाइकॉल देता है। तो क्या कर रहे हैं, जो एथिल एसीटेट है, इस एथिल एसीटेट का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति या उसकी तनु जो या डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होगा उसमें जल अपघटन करा देते हैं या हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर जो है हमको क्या मिल जाता है, तो हमको एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होगा, और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स जो है हमको पोटेशियम एसीटेट प्राप्त होता है। तो इस विधि से देखें तो इस विधि को वुड्स ने दिया था, इसलिए इसको वुड्स विधि कहा जाता है। इस विधि में सिंपल सा काम किए हम कि जो एथिलीन ब्रोमाइड होता है उस एथिलीन ब्रोमाइड को सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन करा दिए, और सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन कराए तो एथिलीन एसीटेट बन गया, और इसके साथ साथ 2 मॉलिक्यूल्स आप सिल्वर ब्रोमाइड मिल जाएगा। देन एथिलीन एसीटेट को जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं या जल अपघटन करा देते हैं, तब हमको एथिलीन ग्लाइकॉल मिलता है, और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम एसीटेट जो है वो प्राप्त होता है। तो इस विधि के द्वारा भी हम क्या करते हैं, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका निर्माण करते हैं। बोलो ये चीज समझ में आया। अगली विधि है हमारी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि मतलब जिसको हम लोग प्रैक्टिकल लैब में बनाते हैं, जैसे तुम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए दे दिया गया मान लो कि क्या बनाओ, तो एथिलीन ग्लाइकॉल बनाओ, तो इस विधि से बनाओगे। तो देखो एथिलीन ग्लाइकॉल कैसे बना रहे हैं, तो एथिलीन ब्रोमाइड है, एथिलीन ब्रोमाइड का जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट का के साथ किसका, तो एथिलीन ब्रोमाइड का वाटर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तब हमको वहां से एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त हो गया, और इसके साथ साथ देखें तो 2 मॉलिक्यूल्स किसके मिलते हैं, तो सोडियम ब्रोमाइड के मिलते हैं, और एक जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है जो कि यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस विधि में क्या किए हम, तो सिंपल से रिएक्शन किए हैं कि एथिलीन ब्रोमाइड है उसका सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराए वाटर की उपस्थिति में, तब हमको यहाँ से एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त हुआ, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा और CO2 प्राप्त होता है। अच्छा एक चीज बताओ तो मेरे को, CO2 जो लिखा है उसके बगल में एरो का चिन्ह क्यों दिया है? हाँ गुड, मतलब
अगर एरो दिया हुआ है, तो एरो दिया हुआ है इसका मतलब है कि वह गैसेस फॉर्म में जो है वहां से बाहर चला जाता है, इस चीज को यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा दूसरा रिएक्शन बोलता है, इस विधि में देखें तो इसमें क्या बोलता है, तो अगर हम वाटर का यूज नहीं करते यहाँ पे, सिर्फ क्या करते हैं तो एथिलीन ब्रोमाइड और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं, तो हमको अगर यहाँ पे वाटर का यूज नहीं करेंगे तब के कंडीशन में हमको वाइनिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ना कि एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, मान लो प्रैक्टिकल तुम करते रहोगे तो उसमें मान लो सोडियम कार्बोनेट डाल दिए लेकिन वाटर डालना भूल गए, तो वाटर डालना भूल गए तो वहां से हमको जो है एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त नहीं हुआ उसके साथ साथ देखें तो इसके पूरे प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। देखो हमको इससे पहले सोडियम ब्रोमाइड के दो कंपोनेंट प्राप्त हो रहे थे, दो मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे थे, लेकिन अब हमको एक मॉलिक्यूल सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल रहा था लेकिन यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्लियर है, तो विधि तो ऊपर वाले ही है लेकिन मान लो कुछ कंडीशन में आप वाटर डालना भूल गए तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा इसके बारे में यहाँ पे बताया है। आवाज आ रहा है ना सबको? चलो ये तो था हम लोग देखे प्रयोगशाला विधि। इसके बाद जो है अगली विधि है औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि में उद्योगों में कैसे एथिलीन ग्लाइकोल बनाया जाता है इसकी विधि को देखें तो क्या होता है। तो इसमें औद्योगिक विधि में देखें तो एथिलीन जो होता है इसका जब हम हाइपोक्लोरस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड देखो तो कौन सा होता है, तो HOCl, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमको एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होता है। तो एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन कैसे मिलेगा तो ये देख सकते हैं, ऐसा एक में माइनस एक में प्लस ऐसा बोल सकते हो, तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो इधर चला जाएगा तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, तो प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ ऐसा जुड़ जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, तो यहाँ से हमको जो है एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन है इसका जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो उससे क्या मिल जाता है, तो सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिलते हैं, गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेशन व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है, और इसके अलावा मेन प्रोडक्ट के रूप में हमको ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो औद्योगिक विधि में देखें तो एथिलीन का रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ से एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होता है, और इसके आगे देखें तो इसमें जब एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन है इसका जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पर हमको एथिलीन ग्लाइकोल और सोडियम क्लोराइड और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से रिमूव होता है, ऐसा ये कंपाउंड औद्योगिक विधि के द्वारा।
ठीक है। इसके अलावा आगे देखें तो आगे इसमें बताया जाता है औद्योगिक विधि को इस विधि ऐसा भी कर सकते हैं बोलता है। तो जो है एथिलीन का जब हम रिएक्शन क्या कराते हैं तो हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो क्या होगा, हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लिखा हुआ है देखो तो हाफ और O2 लिखा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? हाफ O2 लिखा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? एक, हाँ देखो सिंपल सा अगर हम लोग लिखते कि ऐसा O, तो O का मतलब होता है एटम्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, तो हाफ मोल्स ऑक्सीजन में देखें, हाफ मोल ऑक्सीजन में देखें तो ये जो है एथिलीन के साथ रिएक्शन करेगा, और इस किसकी उपस्थिति में करता है तो सिल्वर, और सिल्वर की उपस्थिति में 300 से लेकर के 500 अन सेंटीग्रेड पर इसका रिएक्शन होता है। और इसका रिएक्शन जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ से हमको क्या होता है, तो यहाँ से एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो तुम समझ रहे हो कि O और O2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये O2 लिखा है मतलब आधा होगा O, इसका मतलब होगा कि जैसे हम 1 मोल लेते हैं ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑक्सीजन है ना, तो 1 मोल ऑक्सीजन का आधा है वो, मतलब आधा मोल ऑक्सीजन ऐसा बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीजन एटम बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ O लिखते हैं तो मतलब होता है ऑक्सीजन एटम, लेकिन O2 लिख रहे हैं मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हाफ O2 लिख रहे हैं इसका मतलब होता है आधा मोल ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, तो आधा मोल ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और सिल्वर की उपस्थिति में 300 से 500 अन सेंटीग्रेड पर इसका रिएक्शन कराते हैं, तब हमको एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त होगा। और एथिलीन ऑक्साइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 60 अन सेंटीग्रेड पर, तब हमको यहाँ से क्या मिल जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल जो है प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह दूसरी विधि होगी औद्योगिक निर्माण की दूसरी विधि। तो इस विधि के द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन का सॉरी एथिलीन ग्लाइकोल का या डाइहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा देखें तो ग्लाइकोल के जो प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है, इसको देखते हैं। भौतिक गुण में बताया जाता है कि यह रंगहीन गाढ़ा चाशनी जैसा द्रव है, ठीक है। तो यहाँ पे चाशनी दे तो देखे होंगे सभी के सभी, ठीक है। तो यह जो है गाढ़ा होता है, चाशनी की जैसा होता है। इसका गलनांक 11.5 अन सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक जो है वह 197.5 अन सेंटीग्रेड होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। यह जल और अल्कोहल के साथ समानुपाती में मिश्रण मिसिबल होता है, मतलब यह जल और वाटर अल्कोहल और वाटर के साथ इसको हम लोग घोल सकते हैं बोलता है। परंतु ईथर में यह अविलेय होता है, ईथर में इसको विलेय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे इसमें बोलता है कि इसके अणु में 2 OH समूह की उपस्थिति के कारण हाइड्रोजन बंधन के लिए 2 स्थान पर्याय होता है, मतलब प्राप्य होता है। अब देखोगे इसमें क्या होता है, तो 2 OH ग्रुप उपस्थित होता है, और 2 OH ग्रुप उपस्थित होने के कारण से इसमें जो है हाइड्रोजन बंध बनाया जा सकता है बोलता है। किसके द्वारा, तो एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा या फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल के द्वारा, तथा इसके लिए इसका क्वथनांक उच्च है और यह जल में अधिक विलेय है। यह एक आदर्श आर्द्रता ग्राही द्रव है। आर्द्रता ग्राही मतलब समझ में आता है, आर्द्रता ग्राही कभी तो सुने हो? हेलो, आर्द्रता ग्राही सुने हो? क्या होता है आर्द्रता ग्राही, किसको बोलते हो? प्रीति, नमी को, नमी कैसे आता है, किसमें, कैसे, उसी चीज को पूछ रहा हूं। हाइग्रोस्कोपिक या फिर आर्द्रता ग्राही, तो सिंपल सा चीज तुम लोग घर में देखे होगे,
ठंड के माह में या बरसात के माह में नमक जो है वो गीला गीला हो जाए रहता है, ठीक है? तो क्या बोल सकते हैं, कोई भी केमिकल अगर एटमॉस्फेयर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको अगर एब्जॉर्व कर लेता है, और एब्जॉर्व करके वह अगर क्या बोलना चाहिए, मॉइस्चराइज टाइप का लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्द्रता ग्राही। तो नमक भी क्या होता है, तो वो भी आर्द्रता ग्राही होता है। वैसे ही ग्लिसरॉल भी क्या होगा, तो वो भी जो एटमोस्फेयरिक जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉइस्चर होगा, उस मॉइस्चर को यह एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है? साथ में आगे बोलते हैं, पीने पर यह उतना विषैला है जितना कि मेथिल अल्कोहल। तो देखो, मेथिल अल्कोहल से मौत हो सकती है, ये तो सुने होगे कि नहीं सुने हो? क्या बोलते हो, देसी शराब पी करके जो है इतने लोगों की मौत, ऐसा करके सुने हो? हाँ, तो जो जैसे देहात में जो बनते हैं अल्कोहल, वो अल्कोहल होता है हमारा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को पीने से क्या होता है, तो मादकता उत्पन्न होगा, नशा आएगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जैसे देहात में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर उसमें ऐड कर देते हैं, पानी मिला देते हैं और बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो जो एथिल अल्कोहल है वह वाटर के साथ रिएक्शन करके मेथिल अल्कोहल बन जाता है। और मेथिल अल्कोहल जहाँ बना वह जो है बोलते हैं कि वो देसी शराब पीने से मौत, तो उसी के कारण एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल बन जाने के कारण से यह होता है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि जो ग्लाइकॉल होता है ना, ग्लाइकॉल या फिर एथिलीन ग्लाइकॉल जिसको बोलते हो, या फिर बोलते हो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसके कारण से आदमियों की मौत हो सकती है, ये चीज यहाँ पे बताया गया है, क्लियर है? क्लियर है? आगे देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ग्लाइकॉल में दो प्राथमिक अल्कोहली समूह उपस्थित होते हैं। देखो, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल में दो अल्कोहल ग्रुप होता है, एक ऊपर वाले में, एक नीचे वाले में। अतः इसकी अभिक्रियाएं एक मोनोहाइड्रिक प्राथमिक अल्कोहल की अपेक्षिक अभिक्रियाएं हैं। तो यह क्या करता है, तो यह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की तरह ही ये रिएक्शन देंगे बोलता है। दोनों प्राथमिक अल्कोहल समूह बराबर क्रियाशील नहीं होते हैं। और इसमें देखो, दो हाइड्रिक ग्रुप है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये दोनों हाइड्रोक्सी सेम नेचर के नहीं होंगे, मतलब सेम टाइप से ये रिएक्शन नहीं करेंगे बोल रहा है। इसमें से एक जो है वह प्राथमिक रिएक्शन करेगा, फिर उसके बाद जो है दूसरा जो है वो रिएक्शन करने जाएगा बोल। एक OH समूह सदैव दूसरे पर आक्रमण होने से पहले ही पूर्ण रूप से अभिक्रिया कर लेता है। अब देखो, इसमें क्या बोलता है, दो एच ग्रुप है, तो होता क्या है, एक में दो OH ग्रुप जो है वो एक साथ रिएक्शन कभी भी नहीं करेंगे बोलता है। पहले का रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गया होगा, तब दूसरे पर रिएक्शन जो है वो होना संभव होगा, ऐसा इसमें बता रहा है। इसके अतिरिक्त तो दोनों समूहों की दो प्रारूप अभिक्रियाएं कराई जा सकती है। ग्लाइकोल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं नीचे दी गई है। तो इसके कुछ रिएक्शन जो है वो इस प्रकार से दिया गया है। जैसे इसमें देखें आगे, तो सोडियम के साथ अभिक्रिया, जब हम ग्लाइकोल जो होता है या एथिलीन ग्लाइकोल है, उसका जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखो, तो पहला रिएक्शन वह जो है 50 डिग्री पर हो जा रहा है। तो क्या करते हैं, ग्लाइकोल का जब हम 50 डिग्री पर सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमको यहाँ से मोनोसोडियम ऑक्सीलेट प्राप्त होता है। मोनोसोडियम ऑक्सीलेट मतलब एक जो एच है वह निकल गया और उसके जगह पे सोडियम जो है वो आकर के जुड़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसोडियम ऑक्सीलेट, ठीक है? अब देखो, एक का रिएक्शन कंप्लीट हो चुका, एक OH ग्रुप का, तब जो है दूसरा OH ग्रुप जो है उसमें सोडियम का रिएक्शन करा सकते हैं। तो देखो, दूसरे ग्रुप में सोडियम का रिएक्शन कराने के लिए हम लोग 50 अंश सेंटीग्रेड अगर देंगे, तो यह रिएक्शन नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, तो सोडियम के साथ जब दूसरे OH ग्रुप का रिएक्शन कराना होगा, तब 160 डिग्री पर जो है इसका रिएक्शन कराएंगे, 160 अंश सेंटीग्रेड पर, तब जो है दोनों साइड जो है सोडियम जो एटम है वह आकर के जुड़ेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो डाई सोडियम ग्लाइकोलेट प्राप्त होता है। तो इससे पहले जो पढ़े हम लोग इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि
ग्लाइकोल जो होता है उसमें दो ओएच ग्रुप होते हैं, दोनों की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है। एक पहले अपना रिएक्शन पूर्ण कर लेगा तब दूसरा रिएक्शन करेगा, ये चीज इस रिएक्शन से जो है वह कंफर्म हो रहा है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखें, जब हम इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ग्लाइकोल का जब रिएक्शन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे 160 अंश सेंटीग्रेड पर, तब जो है यहाँ पे हमको क्या मिलता है, तो एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होगा, मतलब एक ओ एच जो है वह निकल जाएगा और उसकी जगह पे सी एच सी एल ग्रुप जो है आकर के जुड़ जाएगा। तो अगर एक साइड सी एल जुड़ा हो और दूसरे साइड ओ एच जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। तो ठीक है, तो पहला रिएक्शन 160 अंश सेंटीग्रेड पर एच सी एल के साथ हो गया, पहला ओ एच ग्रुप खत्म हो गया रिएक्शन में। अब इसके बाद दूसरा ओ एच ग्रुप को रिएक्शन कराना है जब एच सी एल के साथ, तो उसके लिए देखो 160 अंश सेंटीग्रेड पर नहीं करा सकते, तो क्या करेंगे, उससे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो उससे ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब जो है एच सी एल उसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या देता है, तो एथिलीन क्लोराइड जो है वो देता है, या फिर बोल सकते हैं एथिलीन डाइक्लोरोहाइड्रिन बोल सकते हैं इसको, या फिर एथिलीन क्लोराइड, मतलब दूसरा ओ एच जो है वह दूसरे बार में रिएक्शन करेगा, तो उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन देता है। तो इससे भी यह पता चलता है कि जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है, एथिलीन ग्लाइकोल में उपस्थित जो ओ एच जो ग्रुप होंगे, दो अलग अलग ओ एच ग्रुप होंगे, ये दोनों ओ एच ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, अलग अलग होती। ठीक है, ठीक है। तीसरा केमिकल रिएक्शन देखते हैं, तो तीसरा केमिकल रिएक्शन बोलता है कि ग्लाइकोल का जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो वही होगा, एक ओ एच से पहले रिएक्शन करेगा, एक ओ एच से रिएक्शन किया तो क्या दे दिया, तो एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन दे दिया, और बचा क्या क्या है इसमें, तो पी ओ सी एल थ्री ये बाहर निकलेगा और एच सी एल जो है यहाँ से बाहर निकलेगा। तो फर्स्ट ओ एच का रिएक्शन पी सी एल थ्री के साथ कराते हैं तब हमको यहाँ से एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होगा और जो है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्राप्त होगा और साथ ही साथ एच सी एल जो है यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं इसी में कि एथिलीन जो क्लोरोहाइड्रिन है इसका रिएक्शन फिर से जब हम पी सी एल थ्री के साथ कराते हैं तो क्या होता है, तो अब दूसरा वाला ओ एच ग्रुप जो है वह रिमूव होगा और वह रिमूव हो करके क्या देता है, तो यहाँ पे पी ओ सी एल थ्री देगा और साथ ही साथ एच सी एल देगा और क्या देता है, तो यहाँ पे कंप्लीट जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमको क्या मिल जाता है, तो एथिलीन क्लोराइड जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि के द्वारा जो है किससे, तो फास्फोरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने से हमको प्राप्त होता है। क्लियर है ये चीज, ये चीज समझ में आया, पीसीएल फाइव के साथ रिएक्शन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जैसे पहला वाला पहले रिएक्शन करेगा और पहले का रिएक्शन कंप्लीट होगा तब दूसरे वाला करेगा। क्लियर है, भले प्रोडक्ट जो है वही सेम सेम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, हाँ अगला रिएक्शन देखें, तो अगला बोलता है कि फास्फोरस ट्राइहैलाइड के से अभिक्रिया, फास्फोरस ट्राइहैलाइड, इससे पहले देखे फास्फोरस पेंटा हैलाइड या पेंटा क्लोराइड देखे, लेकिन यहाँ पे ट्राइहैलाइड बोल रहा है, तो ट्राइहैलाइड मतलब पीसीएल फाइव की पीसीएल थ्री की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बोलता है कि जब हम एथिलीन ग्लाइकोल के तीन मॉलिक्यूल्स का दो मॉलिक्यूल्स आप पी सी एल थ्री के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो पी सी एल थ्री के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमको थ्री मॉलिक्यूल्स आप एथिलीन क्लोराइड प्राप्त होगा और टू मॉलिक्यूल्स आप फास्फोरस एसिड प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि पी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन अलग टाइप के हो रहा था और यहाँ पे देख रहे हैं कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जो है इसका रिएक्शन अलग टाइप से होता है। क्लियर है ये चीज, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, साथ ही साथ रिएक्टेंट जो है वो भी अलग था। क्लियर है ये चीज, आगे देखो
आगे आगे इसमें बोल सकते हैं, जब हम फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के यूज करें, इससे पहले देख रहे थे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को, लेकिन यहाँ पे फास्फोरस आयोडाइड का यूज करते हैं, तो क्या होता है? तो फास्फोरस आयोडाइड का यूज करेंगे तो यहाँ पे एथिलीन जो ग्लाइकॉल है इसका 3 मॉलिक्यूल ले लिया गया, और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड का 2 मॉलिक्यूल ले लिया गया। तो इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर हमको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिलीन आयोडाइड प्राप्त हो रहा है, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिलीन आयोडाइड। लेकिन देखो, और इसके साथ साथ यहाँ से हमको 2H3PO3 भी प्राप्त हो रहा है, तो ये लगभग ऊपर के जैसा रिएक्शन है। ये देखो तो ऊपर में लगभग जैसा प्राप्त हुआ था वैसे ही प्राप्त हो रहा है, एथिलीन क्लोराइड प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पे एथिलीन ब्रोमाइड प्राप्त आयोडाइड प्राप्त हो रहा है क्योंकि आयोडीन लिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फास्फोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त हुए थे, यहाँ पे भी फास्फोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बोले थे कि एथिलीन क्लोराइड जो है वह स्टेबल प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो एथिलीन आयोडाइड है वह स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये देखो, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वह और आयोडीन वह, इन दोनों में देखें तो साइज किसका बड़ा होगा, क्लोरीन का कि आयोडीन का? आयोडीन का साइज, हाँ क्यों होगा? हाँ, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ जो है एटम्स के जो आकार हैं या साइज हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, ऐसा हम लोग बताते हैं। हाँ, अब इसमें देखो क्लोरीन की जो वांडरवाल रेडियस होगी, या वांडरवाल्स रेडियस को क्या बोलते हो, त्रिज्या, तो वांडरवाल त्रिज्या होगी, और आयोडीन की वांडरवाल त्रिज्या होगी, किसकी त्रिज्या ज्यादा होती है? क्लोरीन की वांडरवाल्स त्रिज्या ज्यादा होगी कि आयोडीन की वांडरवाल्स त्रिज्या ज्यादा होगी? क्लोरीन की, क्लोरीन की वांडरवाल्स त्रिज्या जो है वो ज्यादा होगी। अच्छा, वेरी गुड, गधे लोग। आयोडीन का साइज बड़ा तो किसका त्रिज्या ज्यादा? आयोडीन का होगा ना? हाँ, तो देखो आयोडीन का जो वांडरवाल्स त्रिज्या जो है वो ज्यादा होता है, तो वांडरवाल्स त्रिज्या एक दूसरे के से देखो तो आयोडीन के केस में, तो इस केस में देखें तो यहाँ पे आई जो है और यहाँ पे आई है, इन दोनों का वांडरवाल्स त्रिज्या बहुत बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण से वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाएंगे तो यह क्या हो जाता है, तो यहाँ से यह I2 बना करके बाहर हो जाता है। अब I2 बना करके बाहर हुआ तो क्या हो गया, इसमें देखो I2 कैसे बनता है इस चीज, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है CH3 इसके साथ जुड़ा हुआ है आई, CH2I, और इसके बाद ये बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है CH2I, ऐसा। तो इसमें से एक आयोडीन जो है वो प्लस के रूप में और दूसरा आयोडीन जो है वो माइनस के रूप में यहाँ से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या दे देते हैं, तो I2 दे देते हैं, तो ये I2 ऐसा बना करके बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये माइनस में टूटा है, मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला है, लेकिन ये प्लस में टूटा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके चला है, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे शिफ्ट होगा इसलिए हमको यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये प्राप्त हो जाता है, तो क्या मिलता है हमको, एथेन एथिलीन जो है वो प्राप्त होता है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे आयोडीन वाला जो है या एथिलीन आयोडाइड जो है वह स्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसकी वांडरवाल्स त्रिज्या जो है वह बड़ी होती है, और बड़ी होने के कारण से वह इजिली I2 बना सकता है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स बना सकता है, और आयोडीन मॉलिक्यूल्स बना करके निकल जाता है, इसलिए हमको यहाँ पे एथिलीन जो है वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर है ये चीज? चलो आगे देखते हैं। अगर हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में जब हम एथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो देखो तो एथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्शन जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं, तो देखो तो 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं नाइट्रिक एसिड, तो इसमें डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड के साथ यह रिएक्शन नहीं करता, तो क्या करता है, तो इसको जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में यह रिएक्शन जो है वो होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं तब हमको यहाँ से एथिलीन डाई नाइट्रेट जो है वो प्राप्त होता है। तो
यहाँ पे बता सकते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल का जब हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तब हमको एथिलीन डाइनाइट्रेट प्राप्त होता है, और साथ ही साथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है यहाँ से रिमूव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नाइट्रिक एसिड का इसमें रिएक्शन कराते हैं। बोलो, समझ में आया ये चीज? अगला रिएक्शन है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो इसको जो है हम लोग कल देखेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। टाइमिंग पता है, इसी टाइमिंग पे होगा क्लास डेली, और सबको बोल देना जो चीज मैं बताया उस चीज को। ठीक है, और एक काम करो, रुको, भागना मत। क्या करना है हमको? अटेंडेंस डालना है, तो मैं अभी भी इसमें लाइव हूँ। तुम लोग क्या करना, एक बार रिमूव हो जाना, मतलब रिमूव मतलब इंड करना। इंड करने के बाद अटेंडेंस को क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो है तुम की क्या करोगे, तो जो 13 तारीख है उसमें डबल टिबल चौबल क्लिक करना, जिसमें वहां पे ग्रीन आ जाना चाहिए। ठीक है, और करके देखो, अगर ग्रीन आ गया तो मेरे को इसी ग्रुप में फिर वापिस आ करके बताना। चलो एक बार इंड कर लो, इंड करके देख लो एक बार। ग्रीन आया? हाँ, बाकी लोग का? हाँ, जिसका जिसका ग्रीन आते जा रहा है मान लो, वो जा सकते हो, मतलब ग्रुप छोड़ सकते हो। बोलो, क्लास खत्म। कैसे? हाँ, तो उसको 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन, 2-3 दिन, मतलब 2-3 दिन बार क्लिक करोगे तब आएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे क्लिक करोगे तब आएगा सब। अच्छा, एक ही बार में आ गया। चलो, और बाकी लोग का देखो तो सबका आ गया क्या? हाँ, आ गया है तो ग्रुप छोड़ सकते हो। ठीक है,